शुक्रिया 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 हाजो जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत की समर्पण को सजा शुक्रिया 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 tatam ke aaropne hai humko sab sikhaya maaf ki galtiyan sambhali jab bhi lad khadaaya to all the teachers we have met in this life a very happy teachers day from all of us and thank you for making us enabled. Shukriya.

गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री गुरु ॐ गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः

ॐ गुरु गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ गुरुर्ब्रह्मा ॐ गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग की हाल चाल जी वी हो सारे तंदुरुस्त हो फैमिली वजिया एकदम चलो बहुत वीया होना चाहिए जी टीचर्स डे की शुभकामनाएं बहुत सारी शुभकामनाएं लख लख वधाइयाँ टीचर डे की आप सभी को एंड थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए आपके इतने सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं ना बस एक ही बात बोलूँगा सर मैं एक ही लाइन में काम ख़त्म कर दूँगा एक ही लाइन में काम खत्म कर दूँगा आई लव यू आई लव यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इनफिनिटी तक आई लव यू जी तो मैं एक ही लाइन में काम खत्म करूंगा टीचर डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बट जो आपने मुझे इतना प्यार दिखाया इतनी रिस्पेक्ट आपने मुझे दिया बस एक ही लाइन है जी मेरे पास आई लव यू सो मच टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है जी गुड मॉर्निंग वैष्णवी गुड मॉर्निंग रिया गुड मॉर्निंग दीप्ति गुड मॉर्निंग सूरज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नविता गुड मॉर्निंग वत्सल गुड मॉर्निंग अभिषेक गुड मॉर्निंग अंशिता गुड मॉर्निंग दीप्ति बच्चा कह रहे हैं सर देखो सिंपल सी बात है टीचर डे तो हमने विश कर दिया अभी बता दो तो, शाम को सात बजे कौन आने वाला है कोई गेस्ट आने वाला है बढ़िया आज कुछ करते हैं आज कुछ बढ़िया करते हैं कोई टीचर डे का दिन है और uh, कुछ नया करते हैं कुछ बढ़िया करते हैं कुछ अच्छा करते हैं कुछ बहुत बड़ा करते हैं ठीक है जी आगे के ड्रीम है बहुत सारे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा कदम लेके चलते हैं तो होपफुली भगवान वो सपने भी पूरे करेगा जी ठीक है जी चलो कोई नहीं किसने तो आई लव यू कहा हो माय गॉड हर्षिल कह रहा है चलो कोई नहीं किसी ने तो आई लव यू कहा क्या बात है हर्षिल क्या हो गया इतना परेशान क्यों हो आप क्या हो गया कौन छोड़ के चला गया आपको अक्षर अक्षर हमें सीखते शब्द शब्द का अर्थ बताते कभी प्यार से कभी डांट कर कहाँ गया अरे जीवन जीना हमें सिखाते क्या बात है क्या बात है क्या बात है, है? शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच जी थैंक यू जी सर आपके गुरु आने वाले हैं मेरे गुरु तो सब हैं जी मैंने तो अभी एक वीडियो आज मैं सुबह एग्जीक्यूटिव के बच्चों को बता रहा था आज एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों ने ना पढ़ने ही नहीं दिया मतलब क्लास लेने नहीं दी पौने मतलब पौने घंटे की मुश्किल से क्लास हुई थी भाई सर फिर वो केक ले कर के आगे दो तीन फिर अपना डीजे लेके आगे ढोल लेके आगे उन्होंने कहा सर आज तो देख लो आपका दिन है तो टीचर डे हमें बनाना है मतलब आप सारा दिन पढ़ाते रहते हो भाई कभी तो कम से कम तो ठुमके मार के दिखा दो देख कम से कम हमने आपको जो फीस पे की है तो क्या वो सिर्फ पढ़ने की दी है ये मुजरा कौन दिखाएगा मुजरा हमें दिखाओ आप डांस करके दिखाओ ठुमके मार के दिखाओ ठीक है और गाना पता गाना पता कौन सा गाना कौन सा चलाया था वो गाना नहीं है छत पे बैठा था वो कौन था वो मैं तने समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे थे हो गई ये गाने चला रहे थे बताओ भाई साहब हद हो गई जी गुपचुप गु हाँ गुपचुप 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 गुप 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 गाने चल रहे थे उनके मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो ये हाँ अच्छा तो बैठा था बहन हो मैं तन्ने समझ के सो गई हाँ मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे थे हो गई मैं कहा भाई गलती मारे थे कहाँ हो गई चलो तो इसलिए आज थोड़ी सी क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि बच्चों ने मुझे आने ही नहीं दिया फिर मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि मैं जैसे ही पहुंचा अब मैं ग्यारह बजे तो पहुंचा था फिर मैंने आपकी क्लास फटाफट सवा ग्यारह कि मैं कहा सवा ग्यारह क्लास ले लूँगा इसलिए थोड़ी सी क्लास आज की लेट हो गई है सर एक बार यहाँ भी डांस करके दिखा दो ठीक है हाँ बिल्कुल जी मुजरा करके दिखाएंगे टेंशन मत लो इस गाने पर मेरा भी एक डांस पड़ा है कभी मूड ऑफ हो तो बताना मेरा मूड ऑफ है वत्सल मैं बहुत उदास हूँ आज मैं मैं बहुत उदास हूँ यार वत्सल उदास हूँ बहुत ज़्यादा प्लीज़ मैं वो गाने का वो डांस भेजो ना आपने क्या हरकतें की है उसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ ना लायक चलो जी एक बार फटाफट फड़ से और जी पहले भगवान जी की प्रार्थना करते हैं सारे बच्चे फटाफट फड़ से हाथ जोड़ लो जी उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी सारे बच्चे हाथ जोड़ लो फटाफट से जी सारे बच्चे फटाफट से एक बार हाथ जोड़ लो जी ठीक है वन टू थ्री स्टार्टि शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास इतनी शक्ति हमें देना दाता हर रो शाम का रिश्वास कमजोर हम तो चले रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास हो हम चले रस्ते प्रार्थना हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी आओ जी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सर हैप्पी टीचर्स डे सर लोड्स ऑफ लव एंड अब दिल्ली दूर नहीं बिल्कुल जी दिल्ली तो पहले भी दूर नहीं थी उतना ही किलोमीटर होगा भरत जितना कल था किलोमीटर आज भी उतना किलोमीटर होगा आज कोई दूर पास क्या मतलब हुआ है दिल्ली तो उतनी है नालायक कल भी उतनी थी आज भी उतनी है सर डांस और पार्टी यार ऑनलाइन क्लास में क्या डांस करके बताएं बताओ या तो भाई मैं डांस करूं आप उधर डांस करो और आप मुझे वीडियो भेजो फिर तो है बात समझ में आती नहीं फिर तो बात समझ में आती है अगर मैं इधर डांस करूं आप उधर डांस करो फिर आप मुझे वीडियो भेजो तब तो, तो बात समझ में आती है कि मैं अपने स्टेटस पे लगाऊँ कि देख लो ऑनलाइन वाले बच्चे भी फेस टू फेस क्लास की फीलिंग लेते हैं ठीक है ठीक है फिर तो बात समझ में आती है बट अगर मैं ही यहाँ पे पागलों की तरह डांस करूँ आप वहाँ बैठे बैठे मुझे देख के हंसते रहो ये दांत निकालते रहो आप देखो इस टाइम आप हंस रहे हो ना तो भी फ़ायदा उस चीज़ का क्योंकि बात थोड़ा होती है जी हाँ हमारे लिए तो घर से बाहर जाना ही दूर है सर तो आपके सेंस ऑफ <laughs> चलो जी इधर देखो जान से जी तो एक बार अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता जी अब जब आप मुझसे कमिटमेंट ही नहीं कर रहे कि आप भी डांस करोगे तो फिर मैं डांस नहीं करूँगा जब आज सारे बच्चे जितने बच्चे भी लाइव बैठे हैं अगर सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट कर देंगे कि सर हम भी डांस करेंगे ठीक है और आपको वीडियो भेजेंगे ठीक है फिर तो मैं डांस करूंगा नहीं तो छोड़ो फिर सर अपनी हंसी कितनी कंट्रोल करते हैं <laughs> एक बार टुमका लगा दो लेट फीस वाला कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे हैं निशा कह रही है सर डांस वांस छोड़ो देखो सिंपल सी बात है ये तो है बेकार बच्चे नालायक हैं आप मेरा डाउट पहले लो कि लेट फीस वाले में वहां पे 19 दिन आना चाहिए ना निशा बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि वो अगस्त का महीना है उसमें कल हमने 30 दिन काउंट किए थे वहाँ पे 31 दिन आएंगे ठीक है नी चलो यार अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ये डांस वांस की बातें करेंगे बाद में जब क्लास खत्म होने वाली ना होगी ना उस टाइम डिस्कस कर लेंगे पहले एक बार क्लास ले लेते हैं ठीक है ना ऐसा ना हो कि क्लास थोड़ी सी खराब हो जाए तो पहले क्लास अपना एक बार देख लेते हैं उसके बाद फिर जो भी डांस वांस की बातें होंगी उसके उस टाइम देख लेंगे जी चलो जी इधर देखो ध्यान से जी अब एक बार यहाँ पे चेक करना लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने इम्पोर्ट प्रोसीजर पूरे कंप्लीट कर लिए थे जी ठीक है जी उसके बाद फिर हमने सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन से ले कर थर्टी फाइव तक हमने कंप्लीट किए थे और फिर छोटी छोटी बातें आई थी कि हमने और कंप्लीट की थी एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं और फिर एक बार जो कल हमने चार क्वेश्चन किए थे लेट फीस वाले उसमें ना एक पार्ट नंबर फोर है उसमें एक बार थोड़ा सा मिस्टेक है उसको आप सही कर लो देन फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जी लो जी एक बार अब यहाँ पर चेक करना है जी इधर देखो ध्यान से एक बार अभी यहाँ पे चेक करो लास्ट क्लास में आपका केस नंबर वन केस नंबर वन में कोई दिक्कत नहीं है जी केस नंबर टू में भी कोई दिक्कत नहीं है केस नंबर थ्री के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है केस नंबर के फोर में दिक्कत है केस नंबर फोर में दिक्कत क्यों है क्योंकि सोलह अगस्त को अराइवल है अब अगर सोलह अगस्त को अराइवल है तो इट मींस आपने एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी थी मतलब पंद्रह अगस्त को आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी थी अब अगर पंद्रह अगस्त को बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी थी तो आपने पंद्रह अगस्त को फाइल नहीं की तो मैंने कहा था पंद्रह भी काउंट होगी तो पंद्रह सोलह और सत्रह इन तीन दिन में क्या लगेगी फाइव थाउजेंड तो पंद्रह हजार रुपये की लेट फीस ही होगी फिर अट्ठारह तारीख से लेके अगर मैं पांच तारीख तक काउंट करूंगा ना तो यहाँ पे अट्ठारह दिन नहीं होंगे यहाँ पे उन्नीस दिन निकल के आएंगे उन्नीस दिन क्यों आएंगे क्योंकि अगस्त का महीना इकतीस दिन का होता है तो अगर आप इकतीस दिन के बेस पर चलोगे यहां पे उन्नीस दिन निकल के आएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा जी एक लाख नब्बे हजार तो एक लाख नब्बे हजार और पंद्रह हजार कितना बनेगा दो लाख पाँच हज़ार बनेगा बट अगर मान लो आपकी ड्यूटी ही नील है तो मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड की फीस आपको देनी पड़ेगी जी आंसर सेम आएगा आंसर में कोई फर्क नहीं है आंसर सेम आएगा आंसर में कोई फर्क नहीं है फर्क बस ये कि अठारह की जगह उन्नीस दिन काउंट होंगे बस ये बात ध्यान दो जी। सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा बिना डांस के अरे यार दो मिनट रुक जाओ यार हद हो गई यार बिल्कुल यार तो मेरे को वो समझ रखा है नागिन हद हो गई ना गिन 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 ना गिन गिन करके दिखा दूंगा डांस करके दिखा दूंगा डांस ही देखना है ना मेरा तो क्लास के बाद में करके दिखा दूंगा ये मत कहोगे सर अभी डांस दिखाओ ऐसी बात नहीं होती ना लायक ठीक है जी तो यहाँ पे आंसर आपका आंसर सेम आएगा आंसर में कोई दिक्कत नहीं है बट यहाँ पे वन नाइनटी फाइव की जगह दो लाख हजार आंसर आएगा बस ये बात ध्यान दूजे ठीक है जी चलो अब सुना ध्यान से अब ये पॉइंट कंप्लीट हो गया एक बार फटाफट से मेरे को ना रिवीज़न करवा दो यार लास्ट क्लास में जो भी हमने कंप्लीट किया एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं आज हमें एक कॉन्सेप्ट करना है गुड्स इन ट्रांजिट का और फिर हमें कॉन्सेप्ट करना है गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट का ये कॉन्सेप्ट हमें करना है और आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर आज हम स्टार्ट कर देंगे वैल्यूएशन का उसको भी आज हमें स्टार्ट करना है बट एक बार पहले ना मेरे को फटाफट से रिविज़न करा दो यार एक बार ना पहले मेरे को फटाफट से रिविज़न करा दो आप लिखते रहो यहाँ पर जी अब मैं आपके चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा जी ठीक है नहीं अब मैं कोई चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा है क्या लिख रहे हो कमर कमर लिया कमर लिया लचके रे ओई मेरा ठीक है रे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो लोली पॉप लाग ले अरे यार कहाँ से आए हो तुम इंडिया के ही हो ना ये लोली पॉप लागे रे कमर या लचके रे मेरा पता नहीं क्या बोल रहे हो इधर सुनो ध्यान से मैं एक बार चैट बॉक्स यहाँ पे बंद कर रहा हूँ एक बार फटाफट से ना लास्ट क्लास के मेरे को रिवीजन करा दो एक तो सेक्शन नंबर 29 से लेके सेक्शन नंबर 36 ये हमने सारे सेक्शन कंप्लीट किए थे और फिर मैंने कहा था कि अगर इंडिया के पोर्ट पे सामान आएगा तो वहाँ से अगर हमें घर लेके आना है तो फिर क्या प्रोविज़न होंगे वो हमने चेक किए और फिर अगर मान लो वेयर हाउस में लेके जाना है फिर वेयर हाउस से घर लेके आना है उस केस में क्या होगा वो भी हमने चेक किया और कौन कौन से कलर की ऑफ एंट्री हमें फ़ाइल करनी है वो भी हमने यहाँ पर एक बार चेक की थी एक बार फटाफट से मेरे को रिवाइज़ करवाना जी हम अब सबसे पहली बात करते हैं हमारा सामान ना बाहर वाले पोर्ट पे पड़ा हुआ है हेलो प्लीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखना जी हमारा सामान जो है मान लो बाहर वाले पोर्ट पे पड़ा हुआ है अब अगर हमारा सामान बाहर वाले पोर्ट पे पड़ा है तो बाहर से सामान अगर इंडिया में लेके आने तो प्रोविज़न कौन से हैं पहले वो चेक करते हैं फिर जब वो इंडिया में सामान आ जाएगा उसको सामान को घर लेके जाना है उस केस में क्या होगा वो भी हम चेक करेंगे फिर अगर वहाँ से सामान वेयर हाउस में लेके जाना है वेयर हाउस से घर लेके आना उस केस में क्या होगा फिर हम वो भी चेक करेंगे ये तीनों पॉइंट हम लास्ट क्लास में कम्प्लीट कर चुके हैं एक बार मेरे को फटाफट से आवाज दो जी अब अगर मान लो बाहर से सामान वाला बाहर वाले पोर्ट से अगर सामान मुझे घर में लेके आना है तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा होगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन क्या बोलते हैं ट्वेंटी नाइन क्या बोलते हैं फटाफट आना है तो कस्टम पोर्ट में आना है और कहीं नहीं जाना है आना है तो कस्टम पोर्ट में आना है और कहीं नहीं जाना है और कहीं पे जाना है तो पुलिस को बताना है और कहीं पे जाना है तो पुलिस को, को बताना है आना है तो कस्टम पोर्ट में आना है और कहीं नहीं जाना है और कहीं पे आना है तो पुलिस को बताना है और फिर एक बात और यहां पे कही गई थी कि अगर तुम्हें खुद उतरना है या तुम्हें सामान उतारना है तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर जान माल का खतरा होगा तभी यह काम तुम कर पाओगे नहीं तो तुम सामान नहीं उतार पाओगे ना ही तुम खुद उतर पाओगे ये बात हमने वहां पर डिस्कस की उसके बाद फिर सेक्शन नंबर थर्टी गवर्नमेंट यह बात कहती है अब ट्वेंटी ने बोला आना है तो कस्टम पोर्ट पर आना है अब थर्टी यह बात कहता है आने से पहले आने से पहले आने से पहले आने से पहले इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है आने से पहले इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है आने से पहले अराइवल मैनिफेस्ट फाइल करनी है उसमें क्या बताना है, है? कौन आ रहा है क्या गा। है गा? गा? जा गा? जा। है जा ला रहा तो है कौन आ रहा है क्या ला रहा है कब आ रहा है कहाँ आ रहा है कौन आ रहा है क्या ला रहा है कब आ रहा है क्या ला रहा है ये सारी बातें बतानी है कब बतानी है आने से पहले और व्हीकल वाले केस में जी व्हीकल वाले केस में मैं प्लीज बता रहा जी व्हीकल वाले केस में आने के विद इन ट्वेल्व आवर्स के अंदर आपको बताना पड़ता है यह बात ध्यान दो आईजीएम जो है वो ट्वेल्व आवर के अंदर आप फाइल कर सकते हो अगर नहीं फाइल करोगे तो फिफ्टी थाउजेंड तक की आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आपने इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो है वो लेट फाइल किया फिर पैसेंजर मैनिफेस्ट भी फाइल करते हैं पैसेंजर मैनिफेस्ट कैसे फाइल करेंगे जो कि आपके वैसल में कितने पैसेंजर आ रहे हैं उसकी डिटेल जो होगी वो सेक्शन नंबर थर्टी कैपिटल ए के अंदर होगी अब पहला क्या बोला रही आने से पहले सॉरी आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है आने से पहले इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है फिर सेक्शन थर्टी वन ये बात कहता है सेक्शन थर्टी वन कहता है कि अगर सामान उतारना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी अगर एंट्री इनवर्ड हो गया एंट्री इनवर्ड हो गया कि अगर अनलोडिंग करनी है तो अगर अनलोडिंग करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी अब अगर अनलोडिंग करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी वो सारी बातें आपकी थर्टी वन के अंदर आती हैं फिर उसके बाद सेक्शन नंबर थर्टी टू ये बात कहता है कि अनलोडिंग जो होगी अनलोडिंग जो होगी वो आपकी अप्रूव प्लेस पे होगी ठीक है जी अच्छा पहली बात अनलोडिंग जो होगी वो उसी की होगी जो आईजीएम के अंदर मेंशन होगा मतलब जो भी आपका इंपोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर मेंशन है उसी की अनलोडिंग करेंगे और किसी की अनलोडिंग नहीं, नहीं करेंगे फिर थर्टी थ्री में क्या लिखा है अनलोडिंग जो होगी वो अप्रूव प्लेस पर होगी जी अनलिंग अनलोडिंग जो होगी वो आपकी अप्रूव प्लेस पे होगी फिर थर्टी फोर ये बात कहता है कि अनलोडिंग जो करेंगे वो कस्टम ऑफिसर की सुपरविजन में करेंगे फिर थर्टी फाइव बोट नोट वाला है भाई छोटी छोटी शिप आती हैं वो बोट नोट के थ्रू अगर आएंगी तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे तो कवर नहीं करेंगे फिर थर्टी सिक्स आता है कि भैया अगर छुट्टी है संडे है उस दिन सामान की अनलोडिंग नहीं होगी बट अगर आप मर्चेंट ओवर टाइम फी आप पे कर दोगे उस केस में अनलोडिंग कर देंगे जी ये सारी बातें हमारी ट्वेंटी नाइन से लेकर थर्टी सिक्स तक निकल के आती है फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो सामान जो है अगर मान लो सामान जो है वो इंडिया के पोर्ट पर आ गया अब अगर इंडिया के पोर्ट पे सामान आ गया अब वहां से अगर घर लेके आना है उस केस में क्या करोगे तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा कि आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे सेक्शन 46 में अब बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है तो गवर्नमेंट ने कहा दो केस होंगे आपका सामान किस कंट्री से आ रहा है वो देखो अगर आपका सामान पांच कंट्री से आ रहा है अगर आपका सामान पांच कंट्री से आ रहा है पांच कंट्री कौन कौन सी है मालदीव्स हो गया म्यांमार हो गया श्रीलंका हो गया पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया अगर इन पांच कंट्री से सामान आ रहा है तो सेम डे जिस दिन वो कन्वेंस अराइव हुआ ना सेम डे आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट इन पांच कंट्री को छोड़कर अगर कोई और से आ रहा है तो आपको एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी मतलब अराइवल के एक दिन पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है बस एक बात ध्यान दो और हाँ वैसे आने के तीस दिन पहले भी तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो अब बच्चा ये बात कहता है सर मैंने कहा सर अगर मान लो बिल ऑफ़ एंट्री टाइम पे फाइल नहीं की तो क्या होगा तो पहले तीन दिन तक फाइव थाउजेंड की फीस एप्लीकेबल है और चौथे दिन से टेन थाउजेंड की फीस एप्लीकेबल है और हाईएस्ट गवर्नमेंट कह कि जो ड्यूटी होगी उतनी फ़ीस एप्लीकेबल होगी और अगर ड्यूटी नील होगी तो फिफ्टी की फ़ीस आपके हाथ में एप्लीकेबल होगी ये सारी बातें तब है कि अगर आप बिल ऑफ़ एंट्री लेट फाइल करते हो फिर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की साथ में मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किए अब डॉक्यूमेंट अटैच किए अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि सब कुछ सही है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा आपसे ड्यूटी मंगाएगा आपको ड्यूटी का पे करनी है आपको ड्यूटी पे करनी है जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन आपको ड्यूटी पे करनी है अब अगर बिल ऑफ एंट्री सही तरह से फाइल नहीं की तो डिपार्टमेंट क्या करेगा रीअसेस करेगा आपको बिल ऑफ एंट्री वापस करेगा जब वापस करेगा उसके विद इन वन डे आपको ड्यूटी पे करनी होगी और कुछ केस में डेफर्ट पेमेंट भी अलाउड होती है अगर एक से पंद्रह तारीख को बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो सोलह तारीख को पेमेंट कर सकते हो अगर सोलह से आप मंथ के एंड तक बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो अगले महीने की एक तारीख को आप पेमेंट कर सकते हो और अगर 16 मार्च से 31 मार्च तक अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो 31 मार्च को ही पेमेंट करनी होगी ये बात ध्यान देना जी ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं उम्मीद करूंगा आप सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं डन है जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है पक्का पक्का लो जी अब हमने पेमेंट कर दी अब अगर पेमेंट कर दी तो फिर क्या होगा क्लियरेंस ऑर्डर पास होगा क्लियरेंस ऑर्डर कस्टोडियन को मिलेगा कस्टोडियन वहाँ पे ऑर्डर क्या करेगा सामान क्लियर करवा देगा और वो सामान मेरे घर में आ जाएगा फिर और ये जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है वाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री मैं दोबारा बोलूँगा वाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है इस वाले केस में अगर वो डायरेक्टली सामान घर के लिए लेके आना है बट अगर वो सामान अगर वो सामान आपने वेयर हाउस में लेके आना है फिर वेयरहाउस से घर लेके जाना है उस केस में पहले येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी फिर वहां से अगर घर लेके जाना होगा तो ग्रीन कलर के बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे ये सारी बातें हमने की हैं बस वेयरहाउस वाले केस में हमें स्टार्टिंग में ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार्टिंग में वेयरहाउस चार्जेस पे मतलब हमें कस्ट पोर्ट चार्जेस पे करने होंगे जब वेरहाउस से क्लियर करूंगा उस टाइम पर मुझे ड्यूटी पे करनी होगी और उसी टाइम पर मुझे वेयरहाउस चार्जेस देने पड़ेंगे तब जाके वो सामान क्लियर होगा जी ये सारी बातें आपके निकल के आती हैं ठीक है तो अगर आप एक बार ये चेक करोगे देखो जी अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली लेके आना है तो वाइट कलर है अगर आपको वेयर हाउस में लेके जाना है तो येलो कलर की है फिर वेयर हाउस से घर लेके आना है तो ग्रीन कलर की बिलो फेंट्री है जी ये तीन बिलो फेंट्री आपके सामने निकल के आ रही है जी ठीक है जी तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं अब यहाँ पे आ जाओ जी अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट में क्या फ़र्क है अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता आपने घर से पढ़ा या नहीं पढ़ा बट अगर आपने पढ़ा होगा ना अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने बस एक ही बात ऑब्जर्व की होगी कि अगर सेम कन्विंस आगे को लेके जा रहा है अगर सेम कन्विंस को आगे लेके जा रहा है तो वो गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस है और जहां पे कन्विंस आपका चेंज हो रहा है मैं दोबारा बोलूंगा जहां पे कन्विंस आपका चेंज हो रहा है वो जो केस होगा वो गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला केस होगा वो गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस हो नहीं होगा जी ठीक है तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर एक ही व्हीकल एक ही कन्वेंस मतलब लास्ट तक अगर सामान लेके जा रहा है तो उसको हम बिल इन ट्रांसिट बोलेंगे हम गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे और अगर दूसरा कन्वेंस या दो तीन कन्वेंस अगर बीच में जुड़ चुके हैं उसको हम गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला केस बोलेंगे बस ये बात ध्यान देना चाहिए ठीक है तो एक बार चेक करते हैं देखो यहाँ पे एक बार फटाफट से रीड करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है बट वो तब बना जब ओल्ड सिलेबस में कस्टम तीस नंबर में था ठीक है ना तो और अच्छा आपको अगर पता हो कल आई ने मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट आई ने आपका न्यू सिलेबस फाइनलाइज कर दी है बट ना तो वो आपके एग्जाम में अप्लीकेबल है मतलब दिसंबर 22 में अप्लीकेबल नहीं है जून 23 में एप्लीकेबल नहीं है जून तो, दिसंबर 23 में अप्लीकेबल नहीं है जून 24 में कहीं जाके प्रोफेशनल का पहला अटैम्प्ट होगा ठीक है और जो बच्चे एक अगस्त दो से उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको न्यू सिलेबस मिलेगा उससे पहले सब ओल्ड सिलेबस ओल्ड सिलेबस मतलब 2017 जो भी हमारा चल रहा है ठीक है मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन ना आई क्योंकि आप मुझे मैसेज करोगे पक्का हमारा क्या होगा तो आपका क्या आपका कुछ भी नहीं होगा आपको सेम है इवन जून ट्वेंटी वालों के लिए भी सेम है दिसंबर ट्वेंटी वाले बच्चे भी ओल्ड में एग्जाम देंगे जो जून ट्वेंटी होगा उसमें पहला अटेम्प्ट होगा और जो उन्होंने बोल दिया कि जो ये वाला सिलेबस है वो दिसंबर ट्वेंटी तक चलेगा मतलब दिसंबर 24 तक ओल्ड और न्यू पैरलर चलेंगे फिर जून 25 से सिर्फ न्यू सिलेबस काम करेगा फिर ओल्ड सिलेबस काम नहीं करेगा ठीक है जी और फाइनली टैक्स को अलविदा कह दिया गया अलविदा का मतलब ऑप्शनल में है बट ऑप्शनल के अंदर भी इन्होंने सेकेंड ग्रुप में डाल दिया और सेकेंड ग्रुप के अंदर मैं मैं अब खुद रिकमेंड करूंगा मतलब पहले पहले ग्रुप में था ना फिर भी मैं बच्चों को बोलता कि आप टैक्स ऑप्शन में ले सकते हो बट अब जब सेकेंड ग्रुप में है ना देखो आपका सीआर है अगर आप सी लोगे तो आप आई ले सकते हो इलेक्टिव में क्योंकि आई बी एस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम है ठीक है नहीं इवन आप लेबर लो भी ले सकते हो इवन आप उसमें पेपर है आरबी का वो भी बहुत बढ़िया ठीक है मतलब जी तो एक है ही है बट अगर आपको लगता है सर इसके अलावा और कौन सा लें तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं ठीक है तो मतलब वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया हम और ऑप्शन भी दे रहे हैं ताकि बच्चा इसके अंदर एक्सपर्ट बने और मैं थैंक यू बोलता हूँ आई को जो उन्होंने आई बी नंबर का डाला क्योंकि मुझे पता कि आई की वैल्यू कितनी है प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब अगर आप आईबीसी के अंदर भी एक्सपर्टाइज कर लेते हो ना सर तो आपकी लाइफ बहुत खुल जाती है ठीक है और ऐसा नहीं है कि सर हम टैक्स नहीं पढ़ेंगे तो टैक्स की वैल्यू नहीं होगी एग्जीक्यूटिव लेवल का कल मैंने सिलेबस देखा भाई साहब जान निकाल दी बच्चों की मैं सही बता रहा हूँ सर इन्होंने कहने को प्रोफेशनल में टैक्स नहीं दिया प्रोफेशनल के सारे चैप्टर असेसमेंट डिमांड रिकवरी अपील एडवांस रूलिंग मतलब जो प्रोफेशनल लेवल के चैप्टर थे ना वो सारे एग्जीक्यूटिव के टैक्स में घुसा दिए साठ नंबर का इनकम टैक्स उसमें चालीस नंबर का जीएसटी है और भाई साब टैक्सेशन किसकी इंडिविजुअल की भी एच की भी कंपनी की भी फॉर्म की भी एल की भी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी एओपी की बी की भाई साहब एग्जीक्यूटिव वाला बच्चे के आंखों से आंसू ना निकल गए ना फिर आप मुझे कह देना ठीक है जी वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव में सब पढ़ लेंगे जी ठीक है तो मतलब सिलेबस थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया है थोड़ा बहुत चेंज किया बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है तो जो पहले इन्होंने निकाला था वही ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है जी उसके अंदर कुछ खास फर्क नहीं आया मतलब बट इन्होंने ये है कि एग्जीक्यूटिव में ना इन्होंने प्रोफेशनल से निकाल के एग्जीक्यूटिव में घुसा दिया और जब मैंने सिलेबस देखा मैंने कहा भाई साहब हद हो गई यार मतलब एक सिलेबस बनाने का ना थोड़ा सा पैटर्न होता है भाई इतना एग्जीक्यूटिव का बच्चा जो ईट के बाद आ रहा है मैं सब बता रहा हूँ सर जो ईट के बाद आ रहा है वो क्या समझेगा जी एस टी प्रैक्टिशनर क्या होता है अपील क्या होती है एडवांस रूलिंग क्या होती है डिमांड रिकवरी क्या होती है सेटलमेंट क्या होती है असेसमेंट क्या होती है उस बेचारे बच्चे को क्या पता जिसने प्रैक्टिकल लाइफ कभी देखी नहीं आपने प्रोफेशन में उसको टैक्स पढ़ाना ही नहीं तो उसको आप कहना चाह रहे हो कि वो अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे समझे अपील की बातें एडवांस रूलिंग की बातें सर मेरे बस से तो बाहर है ठीक है बट कोई बात नहीं भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है सर ठीक है ये सिलेबस उन्होंने बढ़िया बनाया बट ये है अब एग्जीक्यूटिव में अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं तो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा घूमता रह जाएगा फिर ठीक है और इन्होंने वाकई अच्छा किया चलो इधर सुनो ध्यान से नहीं और तो ओ ओएमआर भी हटा दिया बिल्कुल सही बात है चलो वापिस आओ तो अब एक बार चेक करते हैं गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या है तो टी में टी मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्टी मार्क्स का करंट अफेयर यही चेंज है हाँ मतलब चेंज थोड़ा बहुत आया जी सर एग्जी वालों को संभाल लेना अरे संभाल लेंगे एग्जी वाले तो मेरे संभाल लूँगा उनको मैं ठीक है टेंशन मत लो तुम ना लाइक एग्जी वालों को संभाल लेना संभाल लेंगे एग्जी वालों को उनकी टेंशन छोड़ दो तुम अच्छा अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब एक बार यहाँ पर चेक करो फ्रावर से ट्रांजिट का मतलब क्या ये आपका यू वाला पोर्ट है जी ठीक है जी ये आपका यू वाला पोर्ट है ये मान लो बीच में मुंबई पोर्ट है ये मान लो केरला पोर्ट है अब देखो यहाँ पे ना अगर मान लो केरला में सामान जाना है तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट आपने फाइल की है इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में क्या लिखा है लैंडिंग कार्गो देखो मुंबई कस्टम पोर्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मुंबई कस्टम पोर्ट मतलब होता पता क्या जब भी आप कभी वेस्टल के थ्रू सामान लेके जाते हो और बीच में कोई कस्टम पोर्ट है बीच में कोई कस्टम पोर्ट है तो आपको ना इम्पोर्ट मैनिफेस्ट में बताना पड़ता है कि बीच में जो कस्टम पोर्ट आ रहे हैं आप वहां पे सामान उतारोगे तो नहीं सर एक बात मेरे को सोच के बताओ एक बात मेरे को सोच के बताओ जैसे मान लो आपने दिल्ली से ना चंडीगढ़ जाना है आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और बीच में हमारा शहर आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था मैं वहां का रहने वाला हूँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो मैं रहने वाला हूँ कुरुक्षेत्र का अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना बीच में कुरुक्षेत्र मान लो आता है जी अब अगर मान लो कोई भी सामान आपको कुरुक्षेत्र में उतारना है या नहीं उतारना तो आपको बताना पड़ेगा ना कुरुक्षेत्र वालों को मतलब अगर मान लो वहां पे सामान उतारना है वहां पे उतारने का स्पेस ही नहीं हुआ फिर कैसे उतारोगे जी तो मतलब वही वही गवर्नमेंट कहना चाह रही कि भैया अगर यूएसए से केरला जाना रहे तो बीच में जो भी पोर्ट होंगे ना तुम क्लियर करो कि वहां पर सामान उतरेगा या नहीं उतरेगा तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जी लैंडिंग कार्गो लैंडिंग कार्गो मतलब कितना मुंबई कस्टम पोर्ट पर लैंड होगा आंसर इज नील कोई लैंडिंग नहीं है गुड्स इन ट्रांजिट ट्रांजिट का मतलब होता है कि आगे कितना जाएगा पूरा का पूरा सौ यूनिट आगे जाएगा और केरला कस्टम पोर्ट पे लैंडिंग कार्गो सो है और फिर गुड्स इन ट्रांजिट नील उसका क्या सामान नहीं जाना तो मुझे फटाफट से बोल देना अब सौ यूनिट सौ यूनिट उतरेंगे कहाँ पे केरला पे बिलो फ एंट्री कहाँ फाइल होगी केरला में तो कस्टम ड्यूटी भी कहाँ पे करेंगे केरला के अंदर पे करेंगे और सेम वैसल अगर आगे लेके जा रहे तो क्या बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट वाला केस बोलेंगे तो देखो सेम वैसल अगर आगे लेके जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट नहीं बोलेंगे अगले एग्जाम्पल में चेक करो जी अगले एग्जाम्पल में अगले एग्जाम्पल क्या निकल के आ रहा है यूएसए मुंबई और केरला अब मान लो मुंबई में ना मुंबई में तीस यूनिट मुझे उतारनी है अब सोच के बोला अगर मुंबई में तीस यूनिट मुझे उतारनी है तो जब वो वैसल यूएसए से चलेगा तो क्या मुंबई वालों को बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा कि तीस यूनिट मुझे उतारनी है मेरे को तो क्लियर करो जी भाई अगर आप चंडीगढ़ जा रहे हो अगर कुरुक्षेत्र में सामान उतारना है तो जिसका वो सामान है उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई सामान उतार के जाएंगे ये थोड़ा कि कुरुक्षेत्र में रुके सड़, सड़क पर सामान उतारा और निकल लिए अरे भाई वो सामान किसका है लावारिस पड़ा है सामान है किसका वो तो गवर्नमेंट वही कह रही है कि अगर मुंबई में सामान उतरना है तो मुंबई पोर्ट को बताना पड़ेगा और वहां से कितना सामान आगे क्लियर होगा ये भी बताना पड़ेगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी अब एक बार चेक करो यहाँ पे तो मुंबई कस्टम पोर्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करोगे तो देखो लैंडिंग कार्गो लैंडिंग कार्गो मतलब कितना कार्गो लैंड होगा कितना कार्गो उतरेगा तो 30 यूनिट और गुड्स इन ट्रांजिट कितना हो जाएगा 70 यूनिट हो जाएगा फिर केरला कस्टम पोर्ट पे लैंडिंग कार्गो कितना बन गया सेवेंटी और गुड्स इन ट्रांजिट कितना बन गया नील क्योंकि सामान उसके आगे नहीं जाएगा अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है अब ये वाला केस ट्रांसशिपमेंट का है या ये वाला केस ट्रांजिट का है मतलब वैसल सेम है या वैसल अलग है जी मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि पहले सौ यूनिट मुंबई उतर रही हैं सौ में से तीस मुंबई में रख रहे हैं फिर सत्तर अगले वैसल में आगे लेके जा रहे हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या मतलब क्या वैसल चेंज हो रहा है आंसर इज नो सर सौ में से तीस उतरेंगी मुंबई और वही वैसल सेवनटी यूनिट जो है वो आगे लेके जाएगा तो ये ट्रांजिट वाला केस है ट्रांसशिपमेंट वाला नहीं है अरे यार श्रुति कैसी बात कर रहे हो क्योंकि ट्रांसशिपमेंट वाला केस कैसे हो गया मेरे बच्चे ये ये ट्रांसिट वाला केस है ना ट्रांसशिपमेंट कहा से आ गया ट्रांसशिपमेंट का मतलब तो वैसल चेंज हो रहा है या तो सेम वैसल आगे जा रहा है सामान बीच में उतर रहा है इट डजन मीन कि वो ट्रांसशिपमेंट है ट्रांसशिपमेंट मीन क्या है कि अगर सामान आके लेके जाना है और दूसरे कन्वेंस से वो सामान आगे जाएगा फिर वो ट्रांसशिपमेंट वाला बनेगा जी ठीक है जी तो ये ट्रांसिट वाला केस है तो यहाँ पे देखो अनलोड थर्टी यूनिट अच्छा एक बात और बताना अब तीस यूनिट मुंबई में उतारनी है मेरे बच्चे मेरे बच्ये, मेरे बच्ये, मेरे बच्चे 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 इधर यूनिट आपने मुंबई में उतारनी है यूनिट आपने मुंबई में उतारनी है तो, तो के बोलना अगर यूनिट आपको मुंबई में उतारनी है तो क्या तीस यूनिट पर ड्यूटी मुझे मुंबई में देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी या पूरे सौ यूनिट पर केरला में देनी पड़ेगी आपने बोल दो अगर तीस यूनिट मेरी मुंबई उतरेंगी और वहां से वो होम कंजन के लिए क्लियर होंगी तो क्या मुंबई में तीस यूनिट की बिलो ऑफ एंट्री फाइल होगी नहीं होगी यस yes फाइल होगी क्या ड्यूटी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी यस yes देनी पड़ेगी देखो क्या लिखा हो रही अनलोड थर्टी यूनिट एंड फाइल बिलो ऑफ एंट्री फॉर थर्टी यूनिट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दोगे फिर आगे सेम वेस्टल जा रहा है वहाँ पे सेवेंटी यूनिट करोगे और बिलोफ एंट्री फाइल करोगे सेवेंटी की और वहाँ पे सेवेंटी की इम्पोर्ट ड्यूटी पे करोगे मेन पॉइंट क्या निकल कर रहा है कि वेस्ल दोनों में सेम है तो ये ट्रांजिट वाला केस है या ट्रांसशिपमेंट वाला केस नहीं है ये वाला क्लियर है जी उसके बाद अगले, अगले पे आओ जी अब अगले पे आओ यूएसए अब यहाँ पे ध्यान देना जी अब यू एस ए से मुंबई और मुंबई से ऑस्ट्रेलिया यूएसए से मुंबई मुंबई से ऑस्ट्रेलिया तो वही सेम तीस उतारनी है मुंबई में सेवनटी उतारनी है ऑस्ट्रेलिया में तो तीस जो मुंबई उतारोगे उस पर ड्यूटी पे करोगे मुंबई में अब जो सेवनटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उतारोगे तो वहाँ पे आप कोई भी ड्यूटी पे नहीं करोगे क्योंकि वो एक्सपोर्ट वाला केस हो जाएगा और एक्सपोर्ट वाले केस में कोई भी कस्टम ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती आपको मैंने पहले भी कहा था कि इम्पोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सीज़, एक्सपोर्ट द गुड्स सॉरी इंपोर्ट द गुड्स हायर द टैक्सी एक्सपोर्ट द गुड्स नोट द टैक्सिस तो एक्सपोर्ट वाले केस में कोई ड्यूटी नहीं है तो 70 यूनिट पे कोई ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी 30 पे एप्लीकेबल होगी और ये ट्रांजिट वाला केस है क्योंकि सेम वेसल अगर आके जा रहा है तो वो ट्रांजिट वाले केस में कवर होगा जी डन है जी कोई दिक्कत तो नहीं है तो ये आपका ट्रांजिट हो गया ये आपका क्योंकि सेम वैसल आपका आगे जा रहा है सर बिल ऑफ एंट्री इम्पोर्टर फाइल करते हैं ना हाँ कुनल बिल ऑफ एंट्री तो इम्पोर्टर ही फाइल करेगा ना अब यहाँ पे तीस यूनिट के लिए इंपोर्टर कौन है मुंबई वाला और सेवनटी के लिए इंपोर्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया वाला बट अगर उसके लिए इम्पोर्टर तो हमारे लिए क्या है एक्सपोर्ट तो क्योंकि एक्सपोर्ट पे हम ड्यूटी चार्ज करेंगे नहीं तो सिर्फ जो मुंबई वाला होगा जो तीस यूनिट इंपोर्ट कर रहा है वो तीस पे ड्यूटी पे करेगा सेवेंटी पे ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी रीजन क्योंकि वो एक्सपोर्ट वाले केस में कवर हो जाएगा सर यू से ऑस्ट्रेलिया ऐसा मानेंगे ना हाँ यू से ऑस्ट्रेलिया का मतलब बाहर से बाहर तो बाहर से बाहर एक बात मेरे को बताओ एन टू एन याद नहीं आ रहा आपको निशा गुप्ता जी एक बात बताओ गुप्ता जी एक बात बताओ मेरे को हमने शेड्यूल थ्री किया था शेड्यूल थ्री में पैरा सेवन हमने किया था तो पैरा सेवन में क्या लिखा था एन टू एन बाहर से बाहर जाना बिना इंडिया में एंटर हुए अब ये इंडिया में एंटर तो हुआ बट वो सेवनटी यूनिट यहाँ पे उतरी तो नहीं ना तो सिंपल सी बात है बाहर से बाहर चला गया तो इंडिया में ड्यूटी नहीं पे करनी है आपको ठीक है मतलब एक्सपोर्ट का मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया से बाहर नहीं जा रहा एक्सपोर्ट मीन्स बाहर से बाहर जा रहा है तो उस पर इंडिया का कोई राइट नहीं बनता ड्यूटी लेने का जी अब यहाँ पे चेक करो गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट वाला जी एक बार आप ट्रांसशिपमेंट में देखो अब ट्रांसशिपमेंट में क्या है अब एक बात मेरे को सोच के बताना चाहिए ट्रांसशिपमेंट में क्या है एक बात बताना हेलो अंकल इधर इधर भैया इधर एक बात मेरे को बताओ भाई एक बात बताओ आप आपसे मेरा क्वेश्चन है ये रेड रेड शर्ट है या रेड टी शर्ट है टी शर्ट है हाँ तो रेड टी शर्ट वाले बच्चे से मेरा क्वेश्चन है सौ so, यूनिट मान लो आपकी चली यू एस से यू एस ए से चली और तीस उतारनी है मुंबई में सत्तर उतारनी है केरला में और सेम वैसा सामान आगे लेके जा नहीं सकता तो क्या तीस और सेवनटी उतरेंगी या पहले सो यूनिट पहले मुंबई में उतरेंगी? बस मेरे को यह बता दो जी क्या पहले सो मुंबई में उतरेंगी हाँ जी क्या पहले सो मुंबई में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी बस मेरे को यह बताओ जी अरे हेलो टमाटरी कलर का बच्चा हाँ क्या पहले सो मुंबई में उतरेंगे नहीं उतरेंगे यस उतरेंगी अच्छा आप सो अगर मुंबई में उतरेंगी तो क्या सो की सो मुंबई में रहेंगी या सेवनटी आगे जाएंगी सेवनटी आगे जाएंगी क्या सेम वेसल लेके जाएगा या डिफरेंट वैसे लेके जाएगा डिफरेंट वैसे लेके जाएगा इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे देखो ये ब्लू कलर का वेसल था लैंडिंग कार्गो मुंबई में 30 है गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट 70 है फिर जो uh, केरला को पोर्ट होगा लैंडिंग कार्गो सेवेंटी गुड्स इन ट्रांसशिप चलिए यहाँ से आपकी 100 यूनिट अब देखो अनलोड 100 यूनिट बट फाइल बिलो एंट्री फॉर थर्टी यूनिट इम्पोर्ट ड्यूटी पे करेंगे थर्टी पे सेवेंटी यूनिट रीलोड रीलोड इन डिफरेंट वैसल अब देखो यहाँ वैसल ब्लू है यहाँ वैसल आपका महरून हो गया टाइप सा हो गया तो वेसल चेंज हो गया तो अगर वेसल चेंज हो गया तो वो गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट में कवर होगा तो, तो, तो यही पे ड्यूटी पे करोगे तो आ रहा है वहां पे जब सामान जा रहा है वो सेम कन्वेंस आगे लेके जा रहा है और ट्रांसशिपमेंट वाले किस में जब सामान जा रहा है तो वो डिफरेंट कन्वेंस आगे लेके जा रहा है बस बात ध्यान डन है जी लॉक कर दूं पक्का पक्का चलो जी तो इधर देखो ध्यान से अब देखो ये गुड्स इन ट्रांसिट और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट एक क्वेश्चन तीन नंबर का बन सकता है जी एक क्वेश्चन तीन नंबर के अंदर बन सकता है कि गुड्स इन ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन बन सकता है तीन नंबर के अंदर और जो बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनके एग्जाम में एक नंबर में बनेगा अगर सेम कन्वींस होगा तो क्या बोलेंगे ट्रांसिट अगर डिफरेंट कन्वेंस होगा तो क्या बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट इस तरह का वो क्वेश्चन बना देंगे जी ठीक है अब एक बार यहाँ पे चेक करो सेक्शन 53 ये ट्रांजिट का है 54 ये ट्रांसशिपमेंट का है ये तो बेकार की बात है आगे अब यहाँ पे क्या लिखा है सर मुंबई में सब सामान उतारेंगे तो वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी अनलोडिंग की हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखो ना परमिशन ले तो ली पूजा ओ पूजा पूजा देखो यहाँ पे लिखा तो है लैंडिंग कार्गो तीस और जी मतलब गुड्स इन गुण ट्रांसशिपमेंट सेवेंटी तो जब मैंने इम्पोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर मैंशन कर दिया ना लैंडिंग कार्गो तीस और गुड्स इन ट्रांसशिपमेंट सेवेंटी तो जो सामने वहां पे कस्टोडियन होगा जो डिपार्टमेंट होगा वो समझ जाएगा कि सौ उतरेंगी तीस यहाँ रहेंगी सेवनटी आगे जाएंगी जब मैंने इम्पोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर मेंशन कर दिया ना कि लैंडिंग कार्गो तीस है तो लैंडिंग कर को स की वहां पर कितनी रहेंगी और जब मैंने कहा गुड्स इन ट्रांसिपमेंट तो इसका मतलब उतरेंगे तो सही बट फिर वो आगे निकल जाएंगी तो दोनों का स्पेस अलग अलग होगा जी दोनों का टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होगा तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा ठीक है आगे देखो जब यहां पे फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन सेम कन्वेंस क्या आ गया सेम कन्वेंस आ गया ना सेम कन्वेंस आ गया और यहां पे अदर कन्वेंस आ गया ठीक है जी उसके बाद एक और वेयर एनी गुड्स इम्पोर्टेड इन ए कन्वेंस एंड मैंशन इन इम्पोर्ट 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 मैनिफेस्ट एज फॉर ट्रांजिट विद और विद इन और आउटसाइड इंडिया द पी ओ में अलाउ द गुड्स एंड कन्वेंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ठीक है जी मतलब ओव्वेस से पता मैंने क्या बोला कि जहाँ पे अगर ट्रांजिट हो रहा है तो बीच में अगर कोई पोर्ट आ रहा है उस पर ड्यूटी पे नहीं करनी जहाँ बिलो ऑफ एंट्री फाइल करोगे जहाँ गुड्स क्लियर करोगे वहीं पर प्योरी ड्यूटी पे करनी है बस ये बात ध्यान दो तो। और ट्रांसशिपमेंट वाले केस में भी वेयर एनी गुड्स इम्पोर्टेड इन ए कन्वेंस एंड मैं इन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फॉर ट्रांसशिपमेंट विद और विदाउट द अलाउ गुड्स टू विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी वही बात यहाँ पे लिखी है ना कि ट्रांसिट और ट्रांसशिप्ट जो होंगे वो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी करेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सामान यहां से यहां निकल गया बीच में कोई पोर्ट आ रहा है उस पोर्ट पर ड्यूटी पे करो आंसर इज नो मतलब जिस पोर्ट पर सामान क्लियर होगा जिस पोर्ट पे सामान क्लियर होगा उसी पोर्ट पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी बस ये बात ध्यान देना ठीक है उसके बाद एक बार सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू नो न्यू डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट कंटिन्यू होंगे क्योंकि जब नया वैसल ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू पीओ फॉर ट्रांसशिप यहां पे बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट मिलेगा आपको क्यों क्योंकि वैसे चेंज हो गया ना तो जब भी वेसल चेंज होगा तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट इशू किया जाएगा वो आपको डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा कि आप दूसरे वेसल में सामान लेके जा रहे हैं बस ये बात ध्यान दो ठीक है उसके बाद फिर यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है डेस्टिनेशन पोर्ट पे और यहां पर भी कहां पे करनी है डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब जहां पे गुड्स की क्लियरेंस करोगे उसी पोर्ट पर आपको ड्यूटी पे करनी है इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है ठीक है हमें को बताओ जी क्या कोई दिक्कत है बिल्कुल सिंपल है यार बिल्कुल सिंपल है अब देखो अगर तीन नंबर के अंदर एक क्वेश्चन बन जाए ना और अगर आप पाँच पॉइंट लिखाओ तो तीन के तीन नंबर पूरे हैं अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में तीन नंबर का बन जाए और अगर ये पाँच पॉइंट आप लिखाओ तो तीन के तीन नंबर पूरे आपके जी डन है जी लॉक कर दूं पक्का पक्का अब आगे देखो यहाँ पे नोट नंबर वन वेयर गुड्स आर बी ट्रांसशिप अंडर एन इंटरनेशनल टेरिटरी बाई लिटरल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरन कंट्री ए ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शेल बी परमिटेड टू पी यू मतलब वही बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट की जगह एक डिकलेन भी आप फाइल करके दे सकते हो ठीक है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शेल नॉट अप्लाई बैगेज वाले केस में गुड्स इम्पोर्टेड बाई पोस्ट और स्टोर्स मतलब बैगेज वाले केस में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट अगर कोई पोस्ट के थ्रू आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उसमें पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा और स्टोर्स मतलब वही टूल्स हो गया स्पेयर पार्ट्स हो गया उस केस के अंदर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा इन तीनों को छोड़ के हर केस में ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे तो आपके एग्जाम में ना बस एक ही क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में क्या डिफरेंस है जी? ठीक है नहीं? तो आपके एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन बनेगा ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें डिफाइन कर दो तीन नंबर के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा जी ठीक है लोक कर दे पक्का पक्का जी कोई दिक्कत तो नहीं है लोक कर दू ना पक्का ना चलो इधर देखो ध्यान से अब फाइनली मैं आ रहा हूं जी सबसे मेन चैप्टर जो है दैट इज वैल्यूएशन का अब एक बार ना सारे बच्चे एक बार सारे बच्चे अब सीधों के बैठ जाओ जी एक बार सारे बच्चे सीधों के बैठ जाओ बस इसमें हमारे दो लेक्चर लगने हैं देखो मैं बता दूं आपको मैं बता दूं दो लेक्चर लगने हैं वैल्यूएशन में आज का और कल का पांच और छ एक लेक्चर लगेगा चैप्टर हमारा है बैगेज का बैगेज मतलब जब बाहर से सामान लेके आते हैं तो कितना सामान एग्जाम है कितना टैक्सेबल है कितना सामान बाहर से ला सकते हैं जैसे एक बच्चा कह रहा है सर बाहर से हम शराब भी ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं सर सिगरेट भी ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं तो कितनी सिगरेट कितनी शराब अलाउड है बाहर से लैपटॉप लाए बाहर से मोबाइल लाए बाहर से कुछ भी लाए क्या एग्जाम क्या टैक्सेबल एक लेक्चर हमारा बैगेज का है एक लेक्चर हमारा है ड्यूटी ड्रॉबैक का और जो मेरी ड्यूटी ड्रॉबैक वाली क्लास होगी ना वहीं तक एग्जीक्यूटिव की क्लास ख़त्म हो जाएगी मतलब आप ये मान के चलो आज पाँच तारीख है छः सात आठ तारीख को एग्जीक्यूटिव की क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी और हो फुली नौ तारीख को प्रोफेशनल की खत्म हो जाएगी नौ या दस मतलब कोशिश मेरी नौ को ही है बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सही से तो फिर दस तारीख भी जाएगी बट मेरा टारगेट जो है वो नौ का ही है जी चाहे तो नौ को हम एक घंटा और लंबी क्लास ले लेंगे कोशिश करेंगे नौ को ही हम पैकअप कर दें जी ठीक है जी अच्छा अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ठीक है थी, अब बहुत ध्यान सुना अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना चैप्टर हमारा किसका है चैप्टर हमारा है जी वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक बात मेरे को सोच के बताओ सर एक बात मेरे को सोच के बताओ आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंपोर्ट वाले केस में नॉर्मली वैल्यू हमें कौन सी चाहिए जी इंपोर्ट वाले केस में इंपोर्ट वाले ठीक है जी थी? अब हम ना समझे ना नाटक करेंगे ताकि दस तक इधर को ना लायक मेरा ऑफिशियल बर्थडे पर, पर लास्ट क्लास इधर देखो ध्यान से चलो कोई बात नहीं अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सुनना ध्यान से अब प्लीज एक बात मेरे को सोच के बताओ यार मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है पहले मेरे को बताओ जी में याद आ रहा है वैल्यूएशन जी में कुछ याद है वैल्यूएशन मेरे को बस ये क्लियर कर दो जी में कुछ याद है वैल्यूएशन सेक्शन नंबर बोलना एक बार मेरे को पहले बताओ जी में आपने क्या किया था अरे यार भरत रुक जाओ ना यार क्या है ये रिया तुम्हारा ऑफिशियल अनऑफिशियल बर्थडे अलग अलग है अरे लोग तीन तीन चार चार बर्थडे मनाते हैं आपको पता नहीं है उनके आधार कार्ड में कुछ अलग लिखा होता है पैदा किसी और दिन हुए होते हैं जी बताते किसी और दिन का है मनाते किसी और दिन का है कई लोग पाँच पाँच बर्थडे मना रहे हैं जी जैसे पता नहीं आधा आधा करके पैदा हुए थे इधर देखो ध्यान से मैं कह रहा हूँ वो बताओ सेक्शन पंद्रह बहुत बढ़िया वेरी गुड कमाल कर दिया अरे सेक्शन पंद्रह में कितने सबसेक्शन तेरी सेक्शन पंद्रह में कितने सब सेक्शन थे पांच याद करो फिफ्टीन वन में फिफ्टीन टू जोड़ते थे फिफ्टीन थ्री माइनस करते थे आपकी वैल्यू निकल के आती थी फिर फिफ्टीन फोर में रूल नंबर ट्वेंटी सेवन से लेकर रूल नंबर थर्टी वन की बात करते थे और आपका फिर फिफ्टीन फाइव में रूल नंबर थर्टी टू से लेकर थर्टी फाइव तक के सेक्शन वो सारे के सारे आपके वहां पर हमने किए थे अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी एक बात में को सोच के बताओ अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है तो बताओ क्या चाहिए बताओ एक बार मुझे अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है कस्टम ड्यूटी तो बताओ क्या चाहिए बताना मुझे अगर मुझे अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है बताओ जी अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है तो बताओ क्या चाहिए एक तो चाहिए वैल्यू एक चाहिए वैल्यू अच्छा एक चाहिए रेट और मेरे हिसाब से ना एक और चीज भी चाहिए कोई तो बताएगा क्या चाहिए अगर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं कि अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है बताओ ना यार अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है तो बताओ क्या चाहिए सारे बच्चे बताओ देखो मैं यहां पे खड़ा होकर देख रहा हूँ अगर मुझे कस्टम ड्यूटी निकालनी है तो क्या चाहिए एक तो वैल्यू चाहिए एक रेट चाहिए समझ में आ गया और क्या चाहिए और ये बहुत बढ़िया आंसर दिया आंसर दिया ये भरत ने निशा ने बहुत बढ़िया आंसर दिया हमें सर एक्सचेंज रेट भी चाहिए हमें एक्सचेंज रेट भी चाहिए ना सर एक बात को सोच के बताओ भाई जब बाहर से हम सामान इंपोर्ट करेंगे या बाहर सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो वो प्राइस तो फॉरेन करेंसी में होगा ना भाई एफ वैल्यू फॉरेन करेंसी में होगी सीआईएफ वैल्यू फॉरेन करेंसी के अंदर होगी तो फॉरेन करेंसी में तो हम ड्यूटी निकाल नहीं पाएंगे हमें पहले वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा फिर रुपीज आएगा उसको रेट ऑफ ड्यूटी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर मेरी ड्यूटी निकल कर आएगी इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे भाई तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है मेरे बच्चे मेरे बाबू मेरा भिंडी मेरा शिमला मेरा बैंगनी मेरा पुदीना मेरा धनिया मेरा आंवले कलर का बच्चा एक बात को बताओ अगर कस्टम के अंदर वैल्यू निकालनी है अगर ड्यूटी निकालनी है तो एक तो वैल्यू चाहिए एक रेट ऑफ एक्सचेंज हमें चाहिए और एक ड्यूटी हमें चाहिए इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपकी कस्टम ड्यूटी निकल के आ जाएगी अब बच्चा ये बात कहता है सर बिल्कुल सही बोला आपने बिल्कुल सही बोला अब एक बात मेरे को बताओ जी अब मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है मान लो आपको चाहिए वैल्यू रेट ऑफ एक्सचेंज और ड्यूटी अब क्वेश्चन किस दिन का चाहिए और कौन सा चाहिए क्वेश्चन क्या आ रहा है किस दिन का चाहिए और कौन सा चाहिए हैं सर किस दिन का चाहिए और कौन सा चाहिए मतलब अरे एक बात बताओ कि अगर हमें रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है तो किस दिन की लेनी है किस दिन की अगर हमें रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है तो किस दिन की लेनी है सर किस दिन का मतलब किस दिन का मतलब क्या कि आपने जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की उस दिन की लेनी है जब आपका, जब आपका आपको वेसल को एंट्री इनवर्ट की परमिशन मिली तब लेनी है जब आपका एयरक्राफ्ट या व्हीकल अराइव हुआ तब की लेनी है किस दिन की लेनी है सबसे मेन क्वेश्चन और अगर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज भी लेना है तो किसका लेना है क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज भी दो होते हैं सर एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है और एक हमें सीबीआईसी बताता है तो रेट ऑफ एक्सचेंज हम किस दिन का लेके चलेंगे आरबीआई का या सीबीआईसी का तो मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं मेरे तो आ रहे हैं सर मेरे तो आ रहे हैं मेरे को नहीं पता आप क्या आ रहे नहीं आ रहे बच्चा कह रहे हमरे नारे जी ये तो आप हमारे दिमाग में क्वेश्चन डाल देते हो कहाँ सर कहाँ क्वेश्चन आते हैं आपको क्या कैसी बात कर रहे हो हमारे दिमाग में और क्वेश्चन और क्वेश्चन आ जाए हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन आ जाए हमारे दिमाग में मतलब भी पैदा नहीं होता ये तो आप हमें बता रहे हो भाई ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई आपने हमें कहा कि भैया रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेनी है बिल ऑफ एंट्री के दिन की लेनी है या अराइवल के दिन की लेनी है या एंट्री इनवर्ड की लेनी है ये तो आप हमें बता रहे हो हमको अब पता लग रहा अच्छा है अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है और ऐसे रेट ऑफ एक्सचेंज का पता ही नहीं भाई सी बी आई सी आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ अब वन बाई वन यहाँ पे सुनना देखो जी ये देखो जी अब एक बार यहाँ पे चेक करना सबसे पहले बात वैल्यूएशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन सी है सबसे पहला फ्री एफ एस एफ एस निकालना मैंने आपको दिखा दिया ना एफ एस कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना सिखा चुका सिखा चुका हूँ अगला फिर है फ्री ऑन बोर्ड एफ ओ बी प्राइस क्या होता है ये भी निकालना हम सीख चुके हैं उसके बाद सी आई एफ वैल्यू ये भी निकालना हम सीख चुके हैं तो ये सारे पॉइंट जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं अब देखो यहाँ पे जी अब देखो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी निकालनी है तो हमें क्या चाहिए हमें असेसेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ ड्यूटी से ठीक है बच्चा कह रहे तो रेट ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं आगे आएगा असेसबल वैल्यू कैसे निकलेगी सेक्शन फोर्टीन विद रूल और यहां पे आपको दिखाऊंगा देखो ये आपकी फॉरन करेंसी मल्टीप्लाई रेट ऑफ एक्सचेंज और मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्यूटी और इससे आपके डाउट सारे खत्म हो जाएंगे और 99 परसेंट बच्चा हेलो बैठा बिल्कुल यार मैं आपको डांटना नहीं चाहता यार आज टीचर डे है पता है यार मैंने एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी डांटा और मैं उनको बहुत प्यार से बहुत प्यार से उनसे यार बात करके आया हूँ हरकतें कर रहे थे क्लास स्टार, स्टार्ट स्टार्ट ही नहीं कर रहे स्टार्ट ही माइक की सेल निकाल के भाग गए माइक का सेल निकाल के भाग गए सर उधर मेरा स्टाफ अभिषेक कह रहा सर सेल इसके अंदर थे मैंने कहा भाई इसके अंदर सेल तो है नहीं कह रहा सेल तो थे सेल निकाल के बैठ गए फिर मैंने कहा दिसंबर में एग्जाम है तुम्हारे सरस्वती माता बैठी है सच सच बोल दो सेल की सब। तब जाके सेल मेरे पास बाहर आए हैं ऐसे नालायक बच्चे थे तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं आप पे गुस्सा करूं ठीक है जी अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब सुनना अब देखो यहां पे जी अब देखना अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी नाइन्टी नाइन परसेंट बच्चा ना नाइन परसेंट बच्चा यहीं पे गलती करता है वो रेट ऑफ ड्यूटी सही नहीं ले पाता वो रेट ऑफ of... सर मत बताओ जेलसी होती अच्छा 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 ब्रह्मास्त्र यूज किया आपने हाँ बिल्कुल सही बात है जी कास पोज हो गई कास पोज हो गई क्या क्लास पोज हो गई चल रही है क्लास सुनने लायक क्लास चल रही है आपके नेट में दिक्कत आ गई होगी जी क्लास तो चल रही है चलो इधर सुना ध्यान से भी इधर सुनना तो अब 99% बच्चा गलती यहीं पे करता है कि रेट ऑफ़ ड्यूटी कौन से दिन की लेनी है उसको वो नहीं पता होता रेट ऑफ़ एक्सचेंज कौन से दिन का लेना है उसको वो नहीं पता होता अब एक बार आओ जी ऊपर आओ थोड़ा सा ऊपर आओ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कस्टम ड्यूटी कैसे निकालनी है असेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ़ ड्यूटी अब रेट ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है एक तो रेलिवेंट डेट किस दिन का रेट लेना है ये हमें देखना है जी और शेड्यूल वन का लेना है शेड्यूल टू का ये भी हमें देखना है असेबल वैल्यू कैसे निकालोगे वैल्यू निकालेंगे एज पर सेक्शन 14 रेड विद रूल्स इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी फिर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ड्यूटी निकल के आ जाएगी तो अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ड्यूटी निकल के आ जाएगी अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी रेलिवेंट डेट ऑफ ड्यूटी क्या है अब सबसे पहला फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाई रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्यूटी तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो रेट ऑफ एक्सचेंज हमें किस दिन का लेना है बहुत ध्यान सर बहुत ध्यान से आप बहुत बड़ी गलती करोगे जी मैं लिख के देने को तैयार हूं आप बहुत बड़ी गलती करोगे जो बच्चे भी मेरे बात जो मेरी बात अभी नहीं सुन रहे ना ये बहुत बड़ी गलती करेंगे जी रेट ऑफ एक्सचेंज हमें किस दिन का लेना है बोलना क्या लिखा है गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी बताऊं मुझे यहां पे क्या लिखा है जी रेट ऑफ एक्सचेंज हमें किस दिन का लेना है बोलो 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 रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है बाय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया या सीबीआईसी सीबीआईसी और सीबीआईसी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इसका रेट ऑफ एक्सचेंज हमें लेके चलना है हमें रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं लेके चलना किस दिन का लेके नहीं चलना हमें रेट ऑफ एक्सचेंज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं लेके चलना सीबीआई से वाला लेके चलना है तो आपको दोनों आपको दोनों दोनों सेम डेट के दियोगे सीबीआई से का जो रेट होगा वो रेट हमारे काम का है आरबीआई वाला रेट हमारे काम का नहीं है तो सबसे पहली बात गिवन बाय सीबीआई से और किस दिन का एज ऑन द डेट वेन बिल ऑफ एंट्री फाइल अंडर सेक्शन फोर्टी सिक्स एक बार दोबारा ये लाइन पढ़ दो जी और सारे बच्चे लाइन लिखो सारे बच्चे ने यह लाइन लिखो जी सारे बच्चे मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के सारे बच्चे ये लाइन एक बार लिखें क्या लिखा है जी बोलो क्या लिखा है बोलना किस दिन का लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है जी रेट ऑफ एक्सचेंज जो है हमें किस दिन का लेना है बताओ जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो रेट ऑफ एक्सचेंज हमें किस दिन का लेना है जी अरे किस दिन का लेना दिन का आधे बच्चे न लायक हैं आधे बचने आधे भी नहीं आधे से भी ज़्यादा बच्चे नालायक हैं देख के सही नहीं लिख पा रहे पता क्या लिख रहे हैं पता क्या लिख रहे हैं पेन बिलो फेंट्रीज फाइल पेन बिलो फेंट्रीज फाइल यही लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है सर लाइन पूरी क्यों नहीं पढ़ते अब लाइन पूरी क्या प्रॉब्लम है आपको क्लियरली लिखा हुआ है ऑन द डेट वेन बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड अंडर सेक्शन फोर्टी सर उससे क्या होगा उससे बहुत बड़ा कुछ होगा सर क्योंकि जब मैं वेयरहाउस में सामान लेके जाता हूं और वेयरहाउस से सामान घर के लिए क्लियर करवाना होता है तो एंट्री फाइल करते हैं सेक्शन 68 में तो गवर्नमेंट कह रही कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज हमें लेने ना जो रेट ऑफ एक्सचेंज हमें लेना है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की सेक्शन फोर्टी में उस दिन का जो रेट होगा ना वो रेट हमारे काम का है तो मतलब ना तो अराइवल वाला काम का है ना एंट्री इनवर्ड वाला काम का है और ना ही गवर्नमेंट कह रही कि अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे सेक्शन 68 में वो वाला काम का है अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे सेक्शन 46 वाली उसी दिन का रेट लेके चलेंगे बस ये बात ध्यान दो तो रेट ऑफ एक्सचेंज में ना मैं दोबारा बोल रहा हूं रेट ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कंफ्यूजन दिमाग में मत लेके चलना आपको काफी सारी डेट दी होंगी आप वहां पर गलती करके आओगे मैं सही बोल रहा हूं सर आपको ना आपको बहुत सारी आपको बहुत सारी डेट दी होंगी आप बहुत सारी गलती करके आओगे तो बस जिस दिन आपने 46 वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल की है उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे काम का बस बात ध्यान दो जी डन लोक कर दू पक्का पक्का चलो जी अब आ जाओ जी अब आओ रेट ऑफ ड्यूटी अब देखो रेट ऑफ ड्यूटी इम्पोर्ट वाले केस में पहले हम इम्पोर्ट की बात करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट वाले केस में कोई खास बात नहीं है पहले हम बातें कर रहे हैं इम्पोर्ट की इम्पोर्ट वाले केस में वेन बिलोफ एंट्री फाइल अंडर सेक्शन फोर्टी एट वेन बिलो एंट्री फाइल अंडर सेक्शन फोर्टी एट और वेन बिलो एंट्री फाइल अंडर सेक्शन सिक्सटी एट बताओ इसका मतलब क्या है? बोलो फोर्टी सिक्स वाली बिल ऑफ एंट्री कौन सी है जी हेलो अंकल अंकल बताओ ना

डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की उस दिन का डेट ऑफ अराइवल इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल विच एवर इज लेटर मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की

और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर वेसल वाले केस में और अगर अदर अदर की बात करूंगा तो डेट ऑफ एंट्री और फिर यहां पे गवर्नमेंट लिखा डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज लेटर तो होना दोनों में से लेटर ही है या तो बिल ऑफ एंट्री और आपका एंट्री इनवर्ड इसमें से लेटर होगा या बिल ऑफ एंट्री और फिर हमारा होगा अराइवल वाला इनमें से लेटर होगा अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा जी सर बिल ऑफ एंट्री का प्रोविज़न चेंज हुआ तो अभी बिल ऑफ एंट्री कभी आए की ही नहीं ना बिल ऑफ एंट्री का प्रोविज़न चेंज हो गया हाँ अगर अब अगर मैं एज़ पर लेटेस्ट लो देखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अब विच एवर इज़ लेटर जो होगी वो हमेशा कौन सी निकल के आएगी जी अगर विच एवर इज़ लेटर जो होगी बट अगर सिंपल सी बात है एंट्री इन वर्ड आपको पहले लेनी पड़ती है एंट्री इनवर्ड पहले लेनी पड़ती है बिल ऑफ एंट्री आप बाद में फाइल करते हो तो बिल ऑफ एंट्री आ सकती है बट अगर एंट्री इनवर्ट से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है तो फिर एंट्री इनवर्ड आएगा मतलब इनमें से लेटर ऐसा नहीं है कि बिल ऑफ एंट्री आ ही नहीं सकती भाई तो आज सिंपल सी बात है कि अगर मैंने मतलब मैंने परमिशन ले ली ली है जी उसके बाद ही तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा या बिल ऑफ एंट्री तीस दिन तक भी फाइल कर सकते हो तो अगर मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी एंट्री इनवर्ट से पहले तो एंट्री इनवर्ट की डेट आएगी अगर एंट्री इनवर्ट के बाद मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो फिर बिल ऑफ एंट्री की डेट आएगी जी ठीक है और देखो जी अगर आपने 68 में बिल ऑफ एंट्री फाइल की मतलब वेर हाउस से अगर घर लेके जा रहे हैं तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन अंडर सेक्शन 68 मतलब 68 में जब बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की होगी वो दिन जो होगा उस दिन का रेट आपको लेना चाहिए अब एक बार ना मैं इसको छुपा रहा हूं एक बार मैं छुपा रहा हूं क्योंकि तो इसके बेस पर ही हमें क्वेश्चन करने हैं और अगर हमें ये क्लियर हो गया तो हमारा मजा आ जाएगा ये लगा लो वैल्यूएशन के आधे क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो गए अगर ये हमें समझ में आ गया एक बार सारे बच्चे ना मैं दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ एंट्री इनवर्ड की कोई ड्यू डेट नहीं होती जी एंट्री इनवर्ड की कोई ड्यू डेट आपकी नहीं होती ऐसी कोई लो में ड्यू डेट नहीं लिखी हुई एंट्री इनवर्ड की ठीक है जी आपको परमिशन लेनी पहले भी ले सकते हो और आने के बाद भी ले सकते हो कोई ड्यू डेट नहीं है ड्यू डेट पेमेंट करने की है ड्यू डेट आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की है हो गया जी चलो बताओ मेरे को बताओ जी फटाफट से बताओ अब बताओ जी मुझे बताओ सबसे पहले बताओ रेट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज पहले क्लियर कर लो रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का चाहिए रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे अंडर सेक्शन 46 से, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लेके चलेंगे और सीबीआई से वाला लेके चलेंगे रिजर्व बैंक वाला हमारे किसी काम का नहीं है फिर हमें रेट ऑफ़ ड्यूटी किस दिन का लेके चलना है तो रेट ऑफ ड्यूटी हमें लेके चलना है डिपेंड करता है कि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की फोर्टी में या सिक्सटी में अगर फ़ोटी के अंदर फाइल की है तो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ़ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच इज लेटर वेस्टल वाले केस में और व्हीकल या एयरक्राफ्ट वाले केस में डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विच इज लेटर आपको वहां पर बिल ऑफ एंट्री मतलब आपको वहां पर रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है और 68 वाले केस में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे सेक्शन 68 की उस दिन की जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो आप लेके चलोगे डन है जी अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन एक मिनट रुको यार आंसर भी है लो जी ये क्वेश्चन करके दिखाना वैसल है जी गुड्स इंपोर्ट बाय वैसल है हर्षिल ड्यूटी ऐसे चेंज नहीं होती बट कई सिचुएशन होती हैं जैसे ना कई बार अमेंडमेंट्स काफ़ी सारी आती हैं गुड्स को लेके, तो इसलिए अलग अलग ड्यूटी भी हो सकती है इसलिए गवर्नमेंट ने एक डेट अनाउंस की है इसका मुझे आंसर बताओ जी इसका आंसर बताओ बताओ जी बोलो भाई हो क्या हो गया क्या हो गया मेरे क्लास रुक तो नहीं गई बीच में पहले मेरे को ये बताओ रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लोगे यार एक मिनट रुको यार तुम ना ऐसे में से डांट खा के मानोगे यार यार मेरे को लग रहा है प्रोफेशनल वाले बच्चे डांट खा के मानेंगे मेरे को ये बताओ पहले रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लोगे ओए ओए आ इधरा आओ फटाफट से रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लोगे जल्दी बोलो रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लोगे रेट ऑफ ड्यूटी दस बारह या अठारह अट्ठारह परसेंट अट्ठारह परसेंट लोगे जी अच्छा अठारह परसेंट क्यों लोगे अठारह परसेंट क्यों लोगे अठारह परसेंट क्यों लोगे क्योंकि आपने बिलो ऑफ एंट्री फाइल की फोर्टी सिक्स की दस तारीख को वैसल वाले केस में अराइवल हमें चेक नहीं करना अराइवल हमें चेक किस केस में करना है एयरक्राफ्ट और व्हीकल वाले केस में एंट्री इन वर्ल्ड कप किया अठारह तो दस और अठारह लेटर कौन सा हो गया अठारह तो इसका तो हमें लेनी है रेट ऑफ ड्यूटी ये फिक्स हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी या आरबीआई सोच के बोलो रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी या आरबीआई तो सीबीआईसी किस दिन का जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की फोर्टी सिक्स वाली तो फोर्टी सिक्स वाली आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है दस जनवरी को तो ये हमारा फिफ्टी एट रेट हो गया तो बस कुछ भी नहीं करना अगर आप यहाँ पे चेक करोगे देखो जी यहाँ पे आंसर आ रहा है एक लाख फिफ्टी एट और मल्टीप्लाई एटीन परसेंट या दस हजार चार सौ इकतालीस रुपए मेरे ख्याल से क्या आंसर आएगा इतना ही आएगा शायद एक लाख मल्टीप्लाई फिफ्टी एट मल्टीप्लाई एटीन परसेंट दस हजार दस लाख चवालीस हज़ार दस लाख चवालीस हज़ार ये आंसर निकल के आएगा जी बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं है डन है अगले का बताना इ... अगले का बताओ जी अगले का अगले का बता दीजिए अगले का मेहरबान कदरदान मेहरबान कदरदान अगले का बताइए पंद्रह और बाईस लेटर हो गया बाईस अठारह तो परसेंट और सी बी आई सी का रेट हमें लेना है जिस दिन बिलोफ एंट्री फाइल करेंगे तो ये लेना है सिक्सटी वन बस ये आएगा जी ये आएगा मेरे ख़्याल से एक बार चेक करें क्या आएगा जी डेढ़ लाख का एटीन परसेंट मल्टीप्लाई सिक्सटी वन आएगा सोलह लाख सैंतालीस हज़ार आएगा जी ये आएगा ना सोलह लाख सैतालीस हजार यही निकल के आएगा सोलह लाख सैतालीस हजार ना ताने? लोक कर दो जी पक्का पक्का ना चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं लिख लो ये लिख लो ये ना लिख लेना कहीं साइड में लिख लेना इंपोर्ट बाय एयर इंपोर्ट बाय एयर सी आई एफ वैल्यू एट्टी थाउजेंड डॉलर ठीक है नी Bill of entry file under section forty six for warehouse purchase January so hojar buys. Bill of entry file for home consumption. वेयर हाउस टू होम कंजम्पशन ये आपने फाइल की है अट्ठाईस जनवरी बाईस ये अंडर सेक्शन सिक्सटी एट है अंडर सेक्शन सिक्सटी एट ठीक है जी तो रेट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ ड्यूटी और डेट ऑफ अराइवल 20 जनवरी 22, बीस जनवरी बाईस पच्चीस जनवरी बाईस अट्ठाईस जनवरी बाईस रेट ऑफ एक्सचेंज सी बी आई सी का ही दिया हुआ है फिफ्टी फाइव फिफ्टी एट सिक्सटी रेट ऑफ ड्यूटी है दस परसेंट बारह परसेंट अट्ठारह परसेंट बताओ जी क्या करें जल्दी बोलो क्या करें अब बताओ जी क्या किया जाए मेरे को पहले बताओ ड्यूटी और रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेंगे जी यार यहाँ टोटल अमाउंट मेरे को बता रहे हो ये निकाला कैसे वो बताओ अंशिता अंशिता विवेक श्रुति मनीष ये बताओ ये निकाला कैसे आपने मतलब किस तरह से कंप्यूट किया है बोलो भाई रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे फिफ्टी एट ओके और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लेंगे रेट ऑफ ड्यूटी दस बारह या अठारह हाँ जी दस बारह या अठारह अट्ठारह परसेंट बहुत बढ़िया वेरी गुड यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू रेट ऑफ एक्सचेंज तो ये हमारा आएगा 58 आएगा रीजन क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज तो हमें हर केस में बिलोफ एंट्री 46 वाली जब फाइल की होगी उस दिन का लेने देखो मैं इसलिए कह रहा हूं ना देखो अब एग्जाम में अगर 68 वाला क्वेश्चन बन गया और 46 वाला क्वेश्चन बन गया उसमें लिखा कि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है तो अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है किस सेक्शन की आपने फाइल की है अगर आपको ध्यान ही नहीं हुआ तो आप गलती करके आओगे ना मेरी बात सम... मेरी बात समझ में आ रही है आपको आपको बात मेरी समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब अगर दोनों बिल ऑफ एंट्री दी होंगी तो दोनों बिल ऑफ एंट्री में फोर्टी सिक्स वाली जो होगी वो हमारे किस काम की होगी रेट ऑफ एक्सचेंज तो भैया फोर्टी सिक्स में हमारा फिफ्टी एट आ गया और फिर रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लेना है एयर वाले केस में अराइवल और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर तो अराइवल जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है जी बीस जनवरी को और बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं सिक्सटी एट वाली ठीक है जी फाइल कर रहे हैं सिक्सटी एट वाली 28 तारीख को तो लेटर 28 तारीख अरे ना लाइको इसमें लेटर नहीं देखना इसमें लेटर नहीं देखना इसमें तो जिस दिन आपने सिक्सटी एट वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल की है ना बस उस दिन का ही हमें रेट ऑफ ड्यूटी लेना है ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर इधर लेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इधर क्या है जिस दिन आपने 68 की बिलो ऑफ एंट्री फाइल की है उस दिन का जो रेट होगा वो हमारे काम के लेटर वाला कॉन्सेप्ट तब है जब बिलो ऑफ एंट्री आपने फाइल किया 46 वाली में ठीक है ना तो इसमें लेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसमें हमें लेना है इस दिन का ही लेना है तो इस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है वाली अट्ठाईस तारीख को तो ये ये लगे अठारह तो बस फिर भगवान झूठ ना बुलवाए मल्टीप्लाई फिफ्टी और मल्टीप्लाई सर रेट ऑफ ड्यूटी में सेक्शन तो के, तो के लिए की है ये तो आपने फोर्टी सिक्स में फाइल किया वेयर हाउस में लेके जाने के लिए उस टाइम तो ड्यूटी पे ही नहीं करनी ना देखो फोर्टी सिक्स की दो बिल ऑफ एंट्री होती है वही आप गलती कर रहे हो आप वही गलती कर रहे हो फोर्टी सिक्स की दो बिल ऑफ एंट्री होती हैं एक तो बिल ऑफ एंट्री होती है अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाना तो है डायरेक्टली तो फोर्टी पहले वेयर हाउस लेके जाना है तो भी जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी फोर्टी सिक्स वाली हो फाइल होगी फर्क बस ये है कि होम कंजम्पशन वाली का वाइट कलर होगा और इसका येलो कलर होगा जी फर्क बस ये है जी ठीक है ना वह है तो फोर्टी सिक्स वाली बट वो होम कंजम्पशन वाली है ये वेयर हाउस वाली है तो ये तो हमारे किसी काम की है नहीं तो इसलिए हमें सिक्सटी एट वाली देखनी पड़ेगी तो एट एट्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई फिफ्टी तो एट्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई फिफ्टी और मल्टीप्लाई एटीन परसेंट तो अगर आप चेक करोगे तो सात लाख बीस हज़ार पे निकल के आ रहा है मेरे ख्याल से सात लाख बीस हज़ार पे क... ये आ रहा है हमारा ये, ये नहीं आ रहा ये क्या निकल रहा 80, 000... है अस्सी हज़ार अरे फिफ्टी एट है सॉरी फिफ्टी एट आएगा मल्टीप्लाई फिफ्टी एट मल्टीप्लाई टेन अस्सी हज़ार मल्टीप्लाई फिफ्टी एट आठ सौ पैंतीस दो सौ आएगा जी आठ सौ पैंतीस दो सौ आएगा सर जब तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करते तब तक ड्यूटी नहीं लगाते हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब तक होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करेंगे तो ड्यूटी का तो मतलब ही नहीं है डन है एक क्वेश्चन और दूं एक क्वेश्चन और दूं पक्का पक्का कोई गलती तो नहीं करोगे एक क्वेश्चन लिखो क्योंकि सर देखो अगर ये सोल्व हो गया ना ये लगा लो वैल्यूएशन की आधी टेंशन मेरी खत्म हो गई क्योंकि है क्या वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है मेन दिक्कत है रेट ऑफ ड्यूटी और रेट ऑफ एक्सचेंज में तो वैल्यू निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है मेन अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए ना तो मेरी टेंशन आधी खत्म हो गई फिर आधी टेंशन है वैल्यू निकालने की वो मैं सिखाई दूंगा जी एग्जाम्पल लिखो लॉ जी इम्पोर्ट बाय एयर सल इम्पोर्ट बाय एयर बाय वेसल ठीक है जी डायरेक्टली क्लियर फॉर होम कंज़म्शन डायरेक्टली क्लियर फॉर होम कंजुम्शन डेट ऑफ अराइवल 25 जनवरी 22 डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड इधर था नोट्स में नहीं देखा अच्छे से अभी मत कोर कमेंट सर हटा देंगे बड़े साथ वाला सरप्राइज था अरे कौन सा मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं वो ड्राइंग क्या कह रहे हो एयर वेरा उस वाला कॉन्सेप्ट सब में होता है जी अब छोड़ो ना लायक ड्राइंग डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड कुछ भी नहीं था डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड लिखो जी मान लो आपकी है सत्ताईस जनवरी बाईस ठीक है जी डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन फोर्टी सिक्स ठीक है जी डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन फोर्टी सिक्स जो है मान लो चौबीस जनवरी बाईस ये रेट ऑफ एक्सचेंज ये रेट ऑफ ड्यूटी सी बी आई सी आर बी आई चौबीस जून अब यहाँ पे मान लो सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी टू बारह परसेंट दस परसेंट अट्ठारह परसेंट ठीक है एक तो ये है अब दूसरा जो है फर्स्ट वेयरहाउस तेन वेयरहाउस टू होम कंजम्पशन डेट ऑफ अराइवल है अट्ठाईस जनवरी बाईस डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड है मान लो 25 जनवरी 22 अंडर सेक्शन 46 सिक्स बाईस और डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 68 मान लो है इकतीस जनवरी बाईस ठीक है जी तो रेट ऑफ एक्सचेंज टीबीआईसी बी सी का मान लो ये 25 जनवरी 28 जनवरी 27 जनवरी 31 जनवरी 60, 62, 58, 64. रेट ऑफ ड्यूटी दस परसेंट बारह परसेंट अट्ठारह परसेंट अट्ठाईस परसेंट ठीक है जी बस मेरे को वैल्यू वोलू छोड़ो बस मेरे को रेट ऑफ एक्सचेंज और वो बता दो जी रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है यह बता दो और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लेनी है बस वो बता दो तो जी ये दो क्वेश्चन आपके ये दो क्वेश्चन आप बताओ फटाफट से बताओ पहले में बताओ पहले में जल्दी बोलो पहले में बाय एयर है ना तो बाय एयर वाले केस में क्या करना है एयर वाले केस में एंट्री इनवर्ड मेरे किसी काम का नहीं होता अराइवल और ऑफ एंट्री लेटर क्या बनेगा 25 तारीख तो 25 तारीख के तो लेंगे रेट ऑफ ड्यूटी तो वो ले लेंगे रेट ऑफ ड्यूटी हमारी है बारह ठीक है फिर जब 46 सिक्स की बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज तो 24 तारीख का हमें लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज तो 24 तारीख का रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे आएगा जी 65. जी 65 ठीक है तो 24 का हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा जी मैं दोबारा कह रहा हूं एयर वाले केस में एंट्री इन वर्ड मत देख लेना जी एयर वाले केस के अंदर मैंने क्या लिखा है एयर वाले केस में है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की और अराइवल विच एवर इज लेटर और वैसल वाले केस में है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की और डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड एवरेज लेटर तो इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज हम लेके चलेंगे आपका 65 और इसमें आएगा 12 परसेंट जी ठीक है जी पहले बताओ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी इसमें कोई और दूसरे केस में आपको फोर्टी सिक्स सत्ताईस जनवरी तो सत्ताईस जनवरी का तो लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज फिफ्टी एट लेंगे ठीक है जी और फिर 68 की जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे 31 जनवरी को उसका लेंगे ये वाला तो 28 तो रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे यहाँ 58 और रेट ऑफ ड्यूटी जो हमें लेनी है यहाँ पे वो हमें लेनी है जी 28% परसेंट बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी अजीब लग रहा हो जी कोई परेशानी कुछ भी अजीब लग रहा हो लोक करनु जी, अब अब कोई डाउट तो नहीं है ना मेरे ख्याल से अब अब एग्जाम में गलती तो नहीं करोगे ना कि कौन से बिल ऑफ एंट्री तो बस एक बार लास्ट टाइम बोल दो रटने वाला बच्चा एक बार ध्यान देगा जी अब रटने वाले बच्चे की बात आ गई है जी, अब है काम रटने वाले बच्चे का रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा लेना है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे सेक्शन फोर्टी वाली रेट ऑफ ड्यूटी हमें लेनी है अगर वेसल से इंपोर्ट कर रहे हैं तो एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री फोर्टी सिक्स वाली विच इज लेटर और अगर अदर देन वेसल इंपोर्ट कर रहे हैं तो अराइवल और बिल ऑफ एंट्री विच इज लेटर इस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है रेट ऑफ एक्सचेंज एक ही दिन का लेना है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फोर्टी सिक्स वाली अब वैल्यू मैं निकालना आपको सिखाने जा रहा हूँ जी ठीक है ये सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं अब जाके मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है एक बार इसको फुल स्क्रीन पे देख के फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर सकते हो जी इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया जी भरत कह रहे बता दो तो भरत देखो सेकंड में क्या है सेक्शन फोर्टी बिल ऑफ एंट्री आपने कल फाइल किया सत्ताईस जनवरी को ना तो इस दिन का तो लेना है रेट ऑफ एक्सचेंज सताइस जनवरी का रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है फिफ्टी एट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लेनी है अगर सिक्सटी वाली बिल ऑफ एंट्री है मतलब हाउस से घर लेके जा रहे हो तो जब 68 वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल की होगी उस दिन का जो रेट ऑफ ड्यूटी होगी वो कल लेके चलेंगे और वो आपने कहा फाइल की इकतीस जनवरी को तो वो अट्ठाईस परसेंट है तो अट्ठाईस परसेंट लेंगे जी ये लो ये क्वेश्चन है पहले ये क्वेश्चन देख लो जी ठीक है जी अरे उस, उस ड्राइंग में उस ड्राइंग में कुछ भी नहीं है पता नहीं कौन सी ड्राइंग है विवेक ट्रांजिट का मतलब होता है अगर एक ही वेसल में सामान आपका डेस्टिनेशन पोर्ट तक जा रहा है तो वो ट्रांजिट है ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि डेस्टिनेशन पोर्ट तक जाने के लिए आपको अलग अलग वेसल चेंज करने पड़ रहे हैं तो वो ट्रांसशिपमेंट वाला है ठीक है तो ट्रांसशिपमेंट में बीच में जो पोर्ट आ रहा है पहले वहाँ पर सारा सामान अनलोड होगा फिर दूसरे वैसल में वो सामान रखा जाएगा दूसरा वैसल आगे जाएगा तो दूसरा वैसल आगे जाएगा तो वो ट्रांसशिपमेंट है अगर सेम ही वैसल कॉन्टिन्यू होता रहेगा उसको ट्रांजिट वाला केस बोलते हैं चलो जी इधर देखो ध्यान से अब अब मैं लोक कर दूं जी अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अब सुना जी अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे वैल्यूएशन कि किस तरह से वैल्यू निकालनी है जी अब किस तरह से वैल्यू निकालनी है वो हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा जी अब यहाँ से बस हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जी भले लगा लो कल हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कल हमारी पूरी क्लास जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की है और कल इसको हम फाइनली पैक कर देंगे जी ठीक है तो कल आपके प्रोफेशनल वाले बच्चों के पाँच नंबर पक्के हो जाएंगे और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के कल दो नंबर पक्के हो जाएंगे ठीक है जी नहीं 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 एक्ट टू रेफर इसके लिए कोई एक्ट रेफर नहीं करना चाहिए इसके लिए बस ये नोट्स रेफर करने हैं दस नंबर का है दो चैप्टर गिने हुए हैं उसमें से दस नंबर आने हैं और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि पागल बन जाओ रिवीजन पे रिवीजन करते रहो 200 पेज हैं बहुत ज्यादा पेज का इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है तो मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है देखो वैल्यूएशन इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पांच नंबर का आता रहा है आता रहेगा इसको तो वो भूल ही नहीं सकते ये तो सबसे मेन है और उसके अलावा पांच नंबर या तो बनेंगे बैगेज में से या बनेंगे ड्रॉबैक में से या फिर जो थ्योरी अभी तक हमने किया उसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा जी ठीक है ना तो इसमें कोई एक्ट रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है पर मैं नया पी तब दूंगा जब मेरा बैच कंप्लीट हो जाएगा नहीं तो आप उसमें से भी कर लो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है कुछ बातें थोड़ी बहुत अलग हैं क्योंकि अगर थोड़ी बहुत बातें मुझे और लिखवानी होंगी ना तो वो सारी लिखवा के फिर मैं नया पीडीएफ दे दूंगा जी एस के लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हो जी सर हम लाइव वालों का एंड में बता देना आप वो कोश, दो क्वेश्चन कौन से दो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन ये वाले ये तो वो इसी नोट्स में लिख लेना या अपना जीएसटी में लिख लो कहीं पे लास्ट में लिख लो ऊपर कस्टम क्वेश्चन करके हेडिंग बना लो ठीक है चलो चलो तो बाकी मुलाकात करते हैं आज शाम को सात बजे अरे हाँ बच्चा अगर हिंट दे दो हिंट बस ये मान के चल लो कि आज से आठ साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम ने यूट्यूब पे कोई इतनी मेहनत करता नहीं था सीएस वाले बच्चों के लिए और तो मुझे प्राउड फील होता है कि हर टीचर आप लोगों के लिए काम करता है रिविजन क्लास डालता है अब थोड़ा सा ट्रेंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज किया जाए एक कोशिश है एक कोशिश है कि स्पेशलाइजेशन में एंट्री ली जाए स्पेशलाइजेशन मीन्स कि मैं हर बच्चे को टाइम दे सकूँ कुछ ऐसा किया जाए अब समझ जाओ मतलब कि हर मैं चाहता हूँ कि हर टीचर ना अपनी स्पेशलाइज फील्ड में काम करे हर बच्चे को टाइम दे जब तक उसके एग्जाम नहीं होते उसका हाथ पकड़ के चले तो उसको देखते हुए कुछ आज करने की कोशिश है आप सबके फायदे के लिए तो बाकी बस अब शाम को बताएंगे जी ठीक है जी आज हाँ, शाम को सात बजे मिलते हैं उम्मीद करूंगा आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और आपके फेवर के लिए है क्योंकि मैं बहुत फील करता हूँ मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं तो मैं आपके फेवर में ही काम करूंगा वो ठीक है जी कोई आएगा आज कुछ मर्ज भी हो सकता है कुछ अमलगा भी कुछ डी मर्जर भी कुछ अलग भी हो सकता है कुछ नहीं पता शाम को सात बजे देखेंगे जी ठीक है जी चलो तो बाकी मुलाकात करेंगे शाम को सात बजे YouTube चैनल पे लाइव सबने पहुंच जाना है और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जो आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे मैक्सिमम बच्चों के साथ वो जरूर शेयर करना क्योंकि हर बच्चे का फायदा है इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं सर इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर बच्चे का सौ फायदा होगा एक रिवोल्यूशन आएगा मतलब जो मेरे दिल की तमन्ना और आना भी चाहिए तो वो फाइनली आप खुद कहोगे सर वाकई ठीक है जी चलो जी तो बाकी फिर मिलते हैं जी बाकी फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ओके जी बाय बाय टाटा थैंक यू सो मच जय हिंद गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल बाय बाय अरे कमरिया लचके नागिन डांस करे नचके हो गया चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड जी जय हिंद गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल खुश रहो हमेशा